नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज रात 10:23 तक रहेगी। आज शाम 5:32 तक व्यतिपात योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पार करके कल की भोर 4:01 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। आज अशून्य शयन द्वितीया व्रत है। आज शाम 4:49 पर राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यायी जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 4 नवंबर की सुबह 6:35 से सुबह 7:57 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 1 नवंबर की सुबह 6:09 से भोर 4:36 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:02 पर शुरू हुआ था और दोपहर 2:34 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 4:01 से रात 10:53 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:02 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:51 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 नवंबर की सुबह 6:36 से सुबह 9:54 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 नवंबर की सुबह 6:35 से सुबह 7:43 तक और एक बार फिर सुबह 10:02 से दोपहर 12:06 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:02 पर शुरू हुआ था और दोपहर 2:34 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 4:01 से रात 8:57 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 1 नवंबर की रात 9:20 से रात 10:33 तक और एक बार फिर रात 12:54 से भोर 4:17 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 1 नवंबर की रात 9:20 से रात 10:33 तक और एक बार फिर रात 12:54 से भोर 4:36 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 9:21 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 7:54 से सुबह 9:17 तक। मुंबई सुबह 8:03 से सुबह 9:30 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:58 से सुबह 9:20 तक। लखनऊ सुबह 7:38 से सुबह 9:02 तक। भोपाल सुबह 7:48 से सुबह 9:13 तक। कोलकाता सुबह 7:04 से सुबह 8:29 तक। अहमदाबाद सुबह 8:07 से सुबह 9:32 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:29 से सुबह 8:57 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब
आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है ईस्ट, EAST, ईस्ट यानी पूर्व दिशा, यानी जिधर से सूरज निकलता है। आज अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत जारी रखनी होगी, सफलता जल्द ही आपके कदम चूमेगी। आज आप उन चीज़ों को महत्व देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आप जल्द ही सफल होंगे। आप अपने परिवार और काम के बीच में संतुलन बनाए रखेंगे। आज आपके मन मुताबिक काम होगा। इस राशि के जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें अपने कस्टमर से फायदा होगा। आज घरेलू चीज़ों की खरीदारी पर खर्च हो सकते हैं। आज आप बच्चों को पार्क में ले जाएंगे, उनके साथ आप भी आनंद लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपकी थोड़ी मेहनत और लगन से आपका अधूरा काम पूरा हो जाएगा। किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करेंगे। बिजनेस के काम की वजह से आपको शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। आज आलस्य करने से आपका काम रुक सकता है। आपको आज किसी मित्र के यहाँ फंक्शन को लेकर आमंत्रण मिलेगा। आपको रोजगार के उचित अवसर मिलने की संभावना बन रही है। छात्रों के लिए समय अनुकूल है। ऑटोमोबाइल का काम कर रहे लोगों को आज रोज की अपेक्षा ज़्यादा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। क्रॉकरी का बिजनेस कर रहे लोगों की बिक्री आज बढ़ेगी, अधिक आमदनी होगी। सरकारी जॉब कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बेहद अच्छा रहेगा। प्रमोशन होने के चांसेस हैं। बिजनेस में रुके हुए कामों को आज आप पूरा कर लेंगे। घर खरीदने का प्लान बना रहे लोगों का प्लान आज कामयाब होने के योग बन रहे हैं। आज बेवजह किसी से बहस करने से बचें, अपने समय का सही उपयोग करें। आज किसी से राजनीतिक मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन आज अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे बड़े व्यापारी से डील फाइनल करेंगे। आज आप राजनीति में ज़्यादा रुचि लेंगे। आपके अच्छे कामों की आज तारीफ होगी। सोशल मीडिया से जुड़कर लोग अपनी अलग पहचान बनाएंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी से अपने मन की बात करना चाहते हैं तो कह सकते हैं। जीवन साथी आज आपको खुश होने की वजह देंगे। कला और अभिनय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करेंगे। आज विद्यालय के शिक्षक सब बच्चों को टूर पर ले जाएंगे, बच्चे खूब मस्ती करेंगे। आज आप ऊर्जावान रहकर अपने सभी काम समय पर अच्छी तरह से पूरे करेंगे। आज आपका आत्मविश्वास कार्यस्थल पर दिन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। आज आप दूसरों की सलाह लेने के बजाय खुद ही बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। लवमेट से सरप्राइज मिलने से आज आपका मन पसंद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होगा। ऑफिस में आपके हार्डवर्क को देखते हुए बॉस आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। जॉब की तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत आज रंग लाएगी। घर के बच्चे आज किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। अपने बच्चों पर गर्व महसूस होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। किसी तरह की समस्या का समाधान मिलने से रिलैक्स महसूस करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भरपूर नींद लें। आज आप अपने लिए समय निकालेंगे और किसी एकांत स्थल पर कुछ समय व्यतीत करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आज आपको अधिक फायदा होगा। काम के प्रति भागदौड़ बनी रहेगी। धैर्य के साथ काम को अच्छी तरीके से पूरा करने में सफल होंगे।
महिलाएं आज अपने घर के कामों में बिजी रहेंगी, किसी काम में जीवन साथी की सलाह फायदेमंद रहेगी। आज आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। जॉब की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी अच्छी कंपनी से ऑफर आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। ग्राफिक डिज़ाइन के स्टूडेंट्स आज कुछ नया क्रिएटिव करेंगे, साथ ही अपने जूनियर्स को भी सिखाएंगे। आज आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे। आज आप अपने अधूरे कामों को पूरा करके नए काम पर भी ध्यान देंगे। आपका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहेगा। आप किसी मंदिर जा सकते हैं जहां आपको खुशी मिलेगी। करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। आज आप नई जिम्मेदारी लेने के लिए उत्सुक रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। धनुराशि वालों, आज का दिन जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। आज आप अपना मन किसी रचनात्मक कार्य में लगाएंगे जिससे आपका अनुभव और अधिक बढ़ेगा। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो भविष्य में आपकी मदद करेंगे। इम्पॉर्टेंट वर्क पूरा करने में ध्यान भटक सकता है, इसलिए अपने आप को कंसंट्रेट करके रखिए। जीवन साथी के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। दोस्तों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा, साथ ही नए दोस्त भी बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपको मित्रों से कुछ बेहतर सलाह मिलेगी। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। किसी अनुभवी की सलाह से आपको धन लाभ होगा। विवाहित लोग कहीं घूमने जाएंगे जिससे उनके रिश्तों में मधुरता आएगी। बॉस आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जिसे आप पूरी मेहनत से करेंगे। काम को लेकर आपकी तारीफ होगी। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन नया बदलाव लाने वाला है। आज अपने काम पर फोकस करें, काम सफल होगा। मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को आज इंटर्नशिप करने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। अपने बच्चों को उपहार देंगे जिससे बच्चों का मन प्रसन्न होगा। कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान रहेगा। इस राशि के जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं वो आज अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त रहेंगे। लवमेट आज आपसे कोई बात शेयर करेंगे। आज आर्थिक मामलों में माता पिता का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहद सुनहरा रहेगा। समाज में आपके कामों की तारीफ होगी। आपका लोगों पर इम्प्रेशन अच्छा जमेगा। घर का डेकोरेशन करवाने के लिए आप अपने परिवार वालों से सलाह लेंगे। माता पिता का सहयोग मिलेगा। उनके साथ आप किसी धार्मिक स्थान पर घूमने जाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज रोज़मर्रा के कामों में आपको ज़्यादा समय लग सकता है। आज आपको कारोबार में पैसा लगाने से पहले बड़ों की राय लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज विष्णु भगवान को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जल में गुड़ प्रवाहित करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, संतान की प्रगति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मूलांक 2, परिवार में कोई मांगलिक आयोजन होगा। परिवार के साथ आप शॉपिंग करने जाएंगे। मूलांक 3, किसी खास काम में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार वालों की मदद मिलने से आपको रिलैक्स फील होगा। मूलांक 4, आज आपके बिजनेस में तरक्की के कई नए रास्ते खुलेंगे। आगे बढ़ने के कई अवसर प्राप्त होंगे। मूलांक 5, आज कम मेहनत में अधिक लाभ होने वाला है। कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। मूलांक 6, आज समय आपके लिए फेवरेबल है। बिजनेस में कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है। मूलांक 7, आपके घर पर कोई करीबी रिश्तेदार आ सकते हैं। आपका घर खुशियों से भरा रहेगा। मूलांक 8, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनको आज किसी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। मूलांक 9, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे खाली दीवार की ओर बैठने मुकर के
बैठने के बारे में। आपने वो कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। जब आप खाली होते हैं, जब आपके पास कोई काम नहीं होता, तो ढेर सारे अच्छे बुरे विचार आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इसलिए अगर आप कहीं बाहर से या ऑफिस से आकर घर की किसी ऐसी जगह पर बैठते हैं जहाँ सामने दीवार पर कुछ ना हो, वो बिल्कुल खाली हो और ये आपके रोज़ उठने बैठने की निश्चित जगह है, तो उस दीवार पर कोई पॉजिटिव तस्वीर लगाइए या अपने ही परिवार के सदस्यों की एक तस्वीर उस दीवार पर लगा दें। इससे आपका मन हमेशा सकारात्मक रहेगा। वहीं अगर आप अकेले खाली दीवार की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो आप नेगेटिव विचारों से घिरे रहेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आपके आत्मविश्वास में कमी लाता है। वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा खाली दीवार की तरफ मुंह करके बैठने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार का व्रत है, सोमवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज रात 10:23 तक रहेगी। आज शाम 5:32 तक व्यतिपात योग रहेगा। इस योग में कोई भी नया कार्य शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता। इस योग के दौरान अगर आप किसी का भला करना भी चाहेंगे तो उसकी नज़र में आप ही बुरे रहेंगे। साथ ही आज पूरा दिन पार करके भोर 4:01 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में कृतिका तीसरा नक्षत्र है। कृतिका का अर्थ होता है कार्य करना। इसका पहला चरण मेष राशि में, बाकी 3 चरण वृष राशि में आते हैं। कृतिका नक्षत्र अग्नि तत्व का प्रतीक भी है, क्योंकि इसके देवता अग्निदेव हैं। साथ ही कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। वनस्पतियों में कृतिका नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है, लिहाजा आज कृतिका नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों को गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। गूलर के पेड़ टहनियों, पत्तियों या उसके फल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी व्यतिपात योग और कृतिका नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे आज अशून्य शयन व्रत की। आज अशून्य शयन द्वितीया व्रत है। चातुर्मास के दौरान पड़ने वाले प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को अशून्य शयन व्रत किया जाता है और कार्तिक चातुर्मास के दौरान पड़ने वाला आखिरी महीना है। आपको बता दूं कि ये व्रत पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस व्रत को करने से जीवन भर पति पत्नी का साथ बना रहता है और रिश्तों में मजबूती आती है। दरअसल अशून्य शयन द्वितीया का अर्थ ही होता है कि अकेले न सोना पड़े, यानी लंबे समय तक दोनों का साथ बना रहे। अतः आज के दिन पति इस व्रत को करके अपने जीवन साथी का साथ सुनिश्चित कर सकता है। आज के दिन अशून्य शयन द्वितीया व्रत में माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा का विधान है। आज पूरा दिन व्रत करके शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। आपको बता दूं कि आज चंद्रोदय शाम 6:21 पर होगा। तो ये थी अशून्य शयन व्रत की। और अब बात करते हैं राहु और केतु के गोचर के बारे में। लेकिन राहु केतु के गोचर के बारे में चर्चा करने के पहले, ये अशून्य शयन द्वितीया उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे यहाँ ये महिलाओं के लिए करवा चौथ इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या है कि पिछले 60-70 सालों में या उससे भी ज़्यादा समय से हमारे यहाँ कौन लिखते थे, वो 7 कदम चलवा देते थे। अरे भैया, चार ही फेरे चला जाता है खाली, और 7 कदम से सप्तपदी हो गई। तो सप्तपदी और 4 फेरे में बड़ा फर्क है। वैसे ही विवाह संबंधी जो संस्कार हैं, जो ये आपके संस्कार हैं, जो करवा चौथ है, इनमें अशून्य शयन द्वितीया ये सारे व्रत थे। 1000 सालों में हम चीज़ें भूल गए थे, अब हम धीरे धीरे चीज़ें रिवाइव कर रहे हैं। धीरे धीरे हम चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के आपके सामने ला रहे हैं। हमारे पुरुष सूर्य है, स्त्री चंद्रमा है। स्त्री का व्रत 27 दिन का है, पुरुष का 30 दिन का है। बड़ा फर्क है दोनों में भाई। साल में 4 महीने अशून्य शयन द्वितीया व्रत होती है। पूरे 4 महीने तक पुरुष को हर द्वितीया को व्रत रखना होता है। 4 महीने तक हर महीने द्वितीया व्रत रखना होता, तब जाकर के स्त्री के एक करवा चौथ की बराबरी कर पाता। अच्छा चलो, बात कर रहे थे राहु केतु के।
तो आज शाम 4:49 पर राहु अपनी स्वाभाविक गति यानी वक्री गति से, देखो राहु और केतु हमेशा वक्री यानी उल्टे ही रहते हैं, तो अपनी वक्री गति से राहु मेष से मीन राशि में आ जाएंगे और केतु अपनी वक्री गति से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और वर्ष पर्यंत राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में ही गोचर करते रहेंगे। राहु और केतु के इस वक्री गोचर को समझने के लिए आपको मार्गी और वक्री का अर्थ समझना चाहिए। हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं और सभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। सबके अपने अपने परिक्रमा पथ हैं, सबकी तरह पृथ्वी का भी अपना परिक्रमा पथ है, वो भी सूर्य का चक्कर लगाती रहती। कभी कभी पृथ्वी किसी धीमे चल रहे ग्रह के बगल से तेजी से गुजरती है तो लगता है कि धीमे वाला ग्रह पीछे छूट गया, जैसे वो उल्टा जा रहा हो। उल्टा कुछ नहीं जा रहा है, जा सब एक ही दिशा में रहे। आपने देखा होगा कि तेज रेलगाड़ी के बगल से दूसरी तेज रेलगाड़ी बड़ी तेजी से गुजरे तो धीमी वाली रेलगाड़ी पीछे जाती हुई लगती है, जबकि वास्तव में दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो आभास होता है कि वो पीछे जा रही है। ठीक वही बात ग्रहों और पृथ्वी के बीच घटित होती, इसी को वक्री या मार्गी कहते हैं। जब ग्रह उल्टा चलता लगता हो तब वक्री और जब सीधा चले तो मार्गी होता है। यहाँ बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी ही रहते हैं, राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं और बाकी 5 ग्रह कभी पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण मार्गी होते हैं तो कभी वक्री हो जाते हैं। आपको बता दूं कि राहु और केतु एक राशि में लगभग 18 महीनों तक रहते हैं, अतः अगले 18 महीनों के दौरान राहु और केतु के इस गोचर का आपकी राशियों पर और आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा और उसके लिए आपको क्या उपाय करने होंगे, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, राहु आपके 12वें स्थान पर जबकि केतु आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको कभी कभी धन लाभ होगा तो कभी कभी अचानक से आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। सेहत के मामले में इस दौरान आपको अपनी आँखों और गले का खास ध्यान रखना चाहिए, साथ ही अपने महत्वपूर्ण काम करते समय आपको अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। कोई विरोधी आपके काम में रुकावट डाल सकता है, अतः राहु केतु के शुभ फल पाने के लिए प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, साथ ही घर में सोने का छोटा सा चौकोर पतरा स्थापित करना चाहिए। वृष राशि वालों, राहु आपके 11वें स्थान पर जबकि केतु आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में धन लाभ के अवसर सामने आ सकते हैं। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आपको अपना रहन सहन और व्यवहार अच्छा बनाए रखना चाहिए, इससे आपको वाहन, जीवन साथी और संतान से संबंधित हर प्रकार का सुख मिलेगा। सामाजिक कार्यों में लगे रहने से आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी बने रहेंगे, तो राहु केतु के साथ शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मी को आदर पूर्वक कुछ न कुछ दान करते रहें। और मिथुन राशि वालों, आपके 10वें स्थान पर जबकि केतु आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु का ये गोचर आपके लिए हर तरह से लाभकारी और सफलता दिलाने वाला रहेगा। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के बड़े अधिकारियों से रिश्ते अच्छे होंगे। आपका पारिवारिक सुख बना रहेगा। जीवन साथी और दोस्तों से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। हालांकि बड़े बेटे से सहयोग पाने के लिए आपको थोड़ी कोशिशें करनी पड़ सकती हैं, लिहाजा राहु केतु के शुभ फल पाने के लिए चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें, साथ ही मंदिर में काला सफ़ेद कंबल दान करें। कर्क राशि वालों, राहु आपके 9वें स्थान पर जबकि केतु आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि कुछ कम हो सकती है। आपको जीवन साथी और संतान का लाभ मिलेगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं, लिहाजा राहु केतु के शुभ फल पाने के लिए केसर का तिलक लगाएं या एक डिब्बी में थोड़ा सा केसर डालकर अपने पास रखिए। सिंह राशि वालों, राहु आपके 8वें स्थान पर जबकि केतु आपके 2रे स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको स्वास्थ्य संबंधी
कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा व्यावसायिक दृष्टि से आपको थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों से प्रेम भाव बनाकर रखना चाहिए। तो राहु केतु की अशुभ स्थिति से बचने के लिए बहते जल में 4 नारियल प्रवाहित करें। कन्या राशि वालों, राहु आपके 7वें स्थान पर जबकि केतु आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। आपको कारोबार में मुनाफा मिलेगा, हालांकि शत्रु पक्ष के प्रति आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अतः राहु केतु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए पैर के अंगूठे में चांदी पहनकर रखें या फिर सफेद धागा बांध कर रखें। तुला राशि वालों, राहु आपके 6ठे स्थान पर जबकि केतु आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको बिजनेस में अचानक लाभ और नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है। साथ ही व्यर्थ के खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। इस दौरान किसी भी काम को टालने से आपको बचना चाहिए। संतान पक्ष से आपको उम्मीद के अनुसार लाभ नहीं मिल पाएगा। इस दौरान राहु केतु के शुभ फल पाने के लिए भगवान गणेश के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। वृश्चिक राशि वालों, राहु आपके 5वें स्थान पर जबकि केतु आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको संतान की तरफ से पूरा सहयोग नहीं मिल पाएगा। आपको कारोबार में लाभ पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए। साथ ही किसी भी तरह के कंपटीशन में आपको मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन करना चाहिए। लिहाजा राहु केतु के शुभ फल पाने के लिए आपको अपने घर में चांदी का छोटा सा हाथी लाकर रखना चाहिए। धनु राशि वालों, राहु आपके 4ठे स्थान पर जबकि केतु आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस हो सकती है। आपको इस दौरान अपने विरोधी पक्ष से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। राहु केतु के इस गोचर के दौरान अशुभ फलों से बचने के लिए एक चांदी के बर्तन में थोड़ा सा शहद भरकर घर में रखिए। मकर राशि वालों, राहु आपके 3रे स्थान पर जबकि केतु आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको जीवन में लाभ और सफलता मिलेगी। परिवार के लोगों से खासकर कि संतान से आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी। हालांकि धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि कुछ कम हो सकती है। लिहाजा राहु और केतु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में 400 ग्राम धनिया दान करें। कुंभ राशि वालों, राहु आपके 2रे स्थान पर जबकि केतु आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। इस दौरान आपको पैसों के मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अपने काम की बागडोर अपने हाथ में रखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। परिवार के मामले में भी किसी तीसरे व्यक्ति से कोई राय न लें तो बेहतर रहेगा। घर में आए मेहमानों का आदर सत्कार करने से आपको लाभ मिलेगा। तो राहु और केतु के शुभ फल पाने के लिए चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें। मीन राशि वालों, राहु आपके पहले यानी लग्न स्थान पर जबकि केतु आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने कार्यों की पूर्णता के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत और लगन की जरूरत है। इस दौरान आपको अपने कार्य ईमानदारी के साथ पूरे करने चाहिए। समाज में सबके साथ अच्छा व्यवहार रखने से आपके कार्य सफल होंगे। लिहाजा राहु केतु की अशुभ स्थिति से बचने के लिए एक कपड़े में बिल्ली की जेर बांधकर अपने पास रखें, साथ ही केसर का तिलक लगाएं। तो ये सारी चर्चा थी आज राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु के मीन राशि में और केतु के कन्या राशि में प्रवेश करने से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा और उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में, और ABCD ही क्यों,
नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज किसी खास मित्र के घर आने से आपको खुशी मिलेगी, पुरानी यादें ताज़ा होंगी। बी, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में प्रभाव बढ़ेगा, लोग आपका सम्मान करेंगे। सी, आज आप अपनी पसंद का काम करेंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी। डी, आज दाम्पत्य जीवन में बड़ी खुशखबरी से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। ई, स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट आज सीनियर्स की मदद से पूरा कर लेंगे, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। एफ, घर जाते समय रास्ते में किसी ज़रूरतमंद की मदद करके आपको अच्छा लगेगा। जी, आप अपने घर का डेकोरेशन फेस्टिवल के अकॉर्डिंग करने का मन बनाएंगे। एच, स्वास्थ्य में हो रहे उतार चढ़ाव से आज आपको आराम मिलेगा, आप काम में बहुत व्यस्त भी रहेंगे। आई, आपके बच्चों को आज उनकी पसंद का उपहार मिलेगा जिससे उन्हें बहुत खुशी होगी। जे, नवविवाहित आज लंच पर जाएंगे जिससे आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। के, बिजनेस कर रहे लोगों को बड़ा ऑर्डर मिलने से खुशी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। एल, आज ऑफिस में कलीग से अच्छा व्यवहार बनाकर रखें, इससे आपको कार्य में मदद मिलेगी। एम, विद्यार्थियों की पढ़ाई के प्रति मेहनत आज उनकी तरक्की के मार्ग खोलेगी। एन, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, आज आपको लोगों के बीच सम्मान मिल सकता है। ओ, नन्हे मेहमान के आगमन से ज्वाइंट फैमिली के लोगों में प्यार और स्नेह बढ़ेगा। पी, काफ़ी समय बाद आज परिवार के साथ डिनर करेंगे जिससे आपको प्रसन्नता होगी। क्यों, अगर आप रुपए का लेन देन कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करना उचित रहेगा। आर, आज आप जो भी काम करें पूरी मेहनत के साथ करें तो सफलता जरूर मिलेगी। एस, पारिवारिक अनबन आज समाप्त होगी जिससे घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। टी, लोन के लिए प्रयासरत लोगों को आज सफलता मिलेगी, आपका लोन स्वीकृत हो जाएगा। यू, ग्राफिक डिजाइनर्स आज नई डिज़ाइन को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे, नए आइडिया माइंड में आएंगे। वी, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखें ताकि आगे की परिस्थितियों का डटकर सामना कर सकें। डब्ल्यू, नए व्यापार की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, परिवार की हर संभव मदद आपको मिलेगी। एक्स, आज सोच विचार कर कोई किसी विषय में निर्णय लेना उचित रहेगा, आप दोस्तों की भी राय ले सकते हैं। वाई, आपके कारोबार में आज सकारात्मक सुधार आएगा, आपको पहले से अधिक लाभ होगा। जेड, कोई किताब पढ़ने में आप व्यस्त रहेंगे, आज उस किताब से आपको नई सीख मिलेगी। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 30 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। द्वितीय तिथि में बैंगन या का सेवन निषिद्ध है। द्वितीय तिथि आज रात 10:23 तक रहेगी, उसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी जो कल रात 9:31 तक रहेगी। तृतीय तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये शत्रुओं के वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज भगवान शिव को जल चढ़ाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।